बॉडी पर जब डेड स्किन सेल्स जम जाती है तो हमारी स्किन सांवली नजर आती है और हमारी स्किन का जो नेचुरली कलर है वो नजर नहीं आ पाता है और हमारे चेहरे पर डस्ट जमा होने की वजह से हमारी स्किन क्लियर भी नजर नहीं आती। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा स्क्रब लेकर आई हूँ जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, स्किन को वाइट भी करेगा। और गाइस ये स्क्रब मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्क्रब की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और स्क्रब को हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए ये भी बताऊंगी और कितने मिनट तक स्क्रब को करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो स्क्रब है डव एक्सफोलिएट बॉडी स्क्रब है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये स्क्रब बॉडी पॉलिश भी करता है गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम इस स्क्रब की पैकेजिंग की बात करेंगे, तो ये प्लास्टिक के जार कंटेनर में आता है एंड पिंक कलर का कवर है इस कंटेनर का, काफ़ी खूबसूरत सी पैकेजिंग की गई है डव एक्सफोलिएटिंग की। गाइस इस प्रोडक्ट के हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि इसमें पोमेग्रेनेट सीड है यानी कि अनार है। आपको बताइए अनार जो होता है अनार से हमारी स्किन की डेड स्किन सेल्स रिमूव होती है और अनार हमारी स्किन को वाइट भी करता है, तो इसमें पोमेग्रेनेट सीड है, शी बटर है। तो गाइस इस स्क्रब का जो टेक्सचर है क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इस स्क्रब की फ्रेग्रेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी फ्रेग्रेंस है इस स्क्रब की और जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो भी इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्रब को यूज़ करने का तरीका भी हम जान लेते हैं। तो गाइस इस स्क्रब को यूज़ करने का तरीका ये है कि हफ्ते में आपको दो बार इस स्क्रब को यूज़ करना है। वैसे हम हर स्क्रब को हफ्ते में दो बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इस स्क्रब को आप हफ्ते में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्रब को यूज़ करने से स्किन पर इरिटेशन नहीं होती है। तो गाइस यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको अपने हैंड को वॉश करना है, फेस को वॉश करना है। स्मॉल अमाउंट में आपको डव स्क्रब लेना है अपने हैंड पर एंड अपने फेस पर आपको 5 मिनट तक मसाज करना है हल्के हाथों से। तो गाइस इस स्क्रब के जो पार्टिकल से है हार्ड नहीं है, तो अगर आप 5 मिनट तक मसाज करोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो 5 मिनट मसाज करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है ये फेस स्क्रब और स्क्रब को आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो इस स्क्रब को आप पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इस स्क्रब को अपने फेस पर यूज़ करें तो अपने नेक एरिया पर ज़रूर यूज़ करें। इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद आपको खुद अपनी स्किन पर चेंजेस नज़र आएंगे, आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ नज़र आएगी। डेड स्किन सेल्स को तो रिमूव करता ही ये स्क्रब। इस स्क्रब का माइनस पॉइंट ये है कि इस स्क्रब से ब्लैक हेड्स जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। तो गाइस हफ्ते में 2 बार आपको इस स्क्रब को यूज़ करना पड़ेगा तभी आपके ब्लैक हेड्स रिमूव होंगे, बाकी वाइट हेड्स तो अच्छे से रिमूव करता है, स्किन को स्मूथ भी बनाता है, स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, स्किन से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है, स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। तो गाइस ये स्क्रब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मेरी स्किन पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इस स्क्रब ने। तो गाइस अब हम बात करते हैं डव स्क्रब की प्राइस की। तो ये जो स्क्रब है 298 ग्राम आता है 699 रुपीस का, जो कि मुझे ये प्रोडक्ट महंगा लगा। इस प्रोडक्ट का माइनस पॉइंट यही है कि ये थोड़ा महंगा भी है प्रोडक्ट, बाकी अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट में ही मिलेगा। तो गाइस इस प्रोडक्ट के सिर्फ 2 ही माइनस पॉइंट है, एक तो इसकी प्राइस ज़्यादा है, सेकेंड ब्लैक हेड्स को जल्दी रिमूव नहीं करता है। तो अगर आपको अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, स्किन को ग्लोइंग बनाना है, स्किन को वाइटिंग बनाना है तो आप इस स्क्रब को परचेस कर सकते हैं। स्किन को क्लीन बहुत अच्छे से करता है ये स्क्रब, स्किन को इरिटेट भी नहीं करता है ये। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। करेक्ट एंड केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।